ओके, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे और जो बेसिक चीजें इसमें आएंगी वो हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे डिटेल में जाके, क्योंकि अगर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बेसिक ही क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी पार्टनरशिप क्या होती है वो समझ में आ जाएगा, तो बाकी बहुत इजीली फ्लो में चलते जाते हैं सारे सेक्शंस, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये आपका 1932 का एक्ट है, विद इफेक्टिव कौन सी डेट से हुआ है, ये विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। पूरा एक्ट जो है इस डेट से इफेक्टिव हुआ है, बट एक जो सेक्शन है सेक्शन 69 विच इज डीलिंग विद द रजिस्ट्रेशन, वो इफेक्टिव आया है आपका 1 अक्टूबर 1933, यानी एक साल बाद। एक टाइम दिया गया था भाई रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, हम एक्ट को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पार्टनरशिप को टाइम दिया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था पहले कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था 1872 में, जो लास्ट हमने देखा था सेक्शन 239 से 266 जो था पार्टनरशिप में ही कवर किया जाता, पार्टनरशिप जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कवर किया जाता था। बट ऑफ कोर्स ही बात है, देयर वाज अ लॉट ऑफ कुछ ऐसी कमियां थी जिसको पूरा किया जाना था, और देयरफॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक स्पेशल लॉ बनाया गया इन द ईयर ऑफ 1932 में, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो आज हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, दैट इज अ स्पेशल लेजिस्लेशन, स्पेशल लॉ है, राइट। मैं इसको स्पेशल लॉ क्यों कह रहा हूं, बिकॉज दैट इज ओनली डीलिंग विद द पार्टनरशिप, सिर्फ ये पार्टनरशिप से डील करता है। वैसे अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप भी एक अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, पार्टनरशिप इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर किसी काम को करने के लिए एग्री होते हैं एंड अल्टीमेटली जो काम करने के बाद उनको प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स दे विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड अल्टीमेटली दे वुड बी म्यूचुअली लाइबल टू ईच अदर, तो वो पार्टनर कहलाते हैं, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, और फर्म का नाम जैसे भी वो रखते हैं तो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। नाउ जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है कि सेक्शन 69 जो है वो रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जिसको एक साल मौका और दिया गया कि आप रजिस्टर करा सकते हैं, तो वो जो सेक्शन है वो 1 अक्टूबर 1933 में इम्प्लीमेंट हुआ था। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी कि पार्टनरशिप क्या वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या आज के टाइम पे भी, क्या पार्टनरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोर्ड पे लिखा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदरवाइज ये तो बहुत आगे की बात है। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना, आप ए और बी दो लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए स्टार्ट करते हैं, सपोज करो कोचिंग का काम खोल लेते हैं, ओके हम आज से कोचिंग प्रोवाइड करेंगे जुडिशरी के, इन्होंने ये काम खोला अपना, ये बिजनेस करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इन दोनों में एग्री हो गया कि हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो ए और बी आपस में पार्टनर है ऐसा तो नजर आ रहा है, बट क्या इस पार्टनरशिप को, इस बिजनेस को, वट एवर दे विल डू, और वैसे तो मैंने कोचिंग की बात करी है कि जुडिशरी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे ए और बी मिलकर, और इनके बीच में अगर पार्टनरशिप है कि इक्वल शेयर करेंगे प्रॉफिट, नाउ इज इट रिक्वायर्ड दैट वट एवर दे आर एग्रिंग अपॉन, जिस बात पे सहमत है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है? तो पार्टनरशिप मैम, का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी आज भी नहीं है, इट इज कंपलसरी नहीं है, दैट मीन्स इट्स ऑप्शनल ओनली। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है लेकिन फायदे कम है। ऑफ कोर्स ही बात है, फायदे में हम देखें तो क्या है भाई, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस होती भी तो नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो फ्यूचर में अगर इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है पार्टनरशिप में,
इफ दे आर नॉट एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसपे सहमत हुए थे और इन्होंने अगर पार्टनरशिप डीड बनाई लेकिन रजिस्टर नहीं कराई, तो ए जो है बी को मुकदमा नहीं कर सकता, ना ही बी ए को मुकदमा कर सकता है। दे कैन नॉट सू ईच अदर अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो। इनफैक्ट थर्ड पार्टी जो है, ए और बी जिसे डील कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी तो इनको परसू कर सकती है, मुकदमा डाल सकती है पार्टनरशिप फॉर्म पे, बट ए और बी इस थर्ड पार्टी पे मुकदमा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे नुकसान है इसके, इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना ही चाहिए, इवन दो इट इज स्टिल ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें वहां पे भी ये ऑप्शनल है। आगे चलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। हमारे पास टोटल जो सेक्शंस हैं, दैट इज सेक्शन 1-74 हैं। अब इन सेक्शंस में हमें सारे सेक्शंस जो लगभग ऑलमोस्ट, इसको अगर हम डिवाइड करें चैप्टर्स में, तो इट्स हैविंग 8 चैप्टर्स हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर में अगर हम बात करें सेक्शन 1 टू 55 तक तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट है, हम सारा पढ़ेंगे भी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर सेवन जो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है, दैट इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द जुडिशियरी पर्पस। जुडिशियरी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो कराना है वो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। अब आप जज बन जाओगे या रजिस्टर कराओगे, रजिस्ट्रेशन काम तो रजिस्ट्रार का है, हमारा काम तो नहीं, हमारा काम तो एडजुडिकेशन है। कोई डिस्प्यूट आएगा पार्टनरशिप से रिलेटेड, बीइंग अ जज वो हमें सॉल्व करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, दैट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। हाउएवर एक दो सेक्शन हम देख लेंगे इसमें से, एक पेरियूजल तो कर ही लेंगे रजिस्ट्रेशन वाला भी, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 69 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 59 को भी पढ़ लेंगे एंड सेक्शन 69, इन दोनों को भी अच्छे से हम पढ़ लेंगे। और लास्ट वाला जो चैप्टर है सप्लीमेंटल, चैप्टर नंबर 8 जिसमें डील किया गया सप्लीमेंटल, उसमें सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन तीन सेक्शंस पे हम फोकस रख सकते हैं, दैट मीन्स हमें 55 और ये तीन बहुत डिटेल में जो पढ़ने हैं, हमें लगभग 60 सेक्शंस पढ़ने होंगे। ठीक है, ये सेक्शंस पढ़ने हैं डिटेल में, बाकी इनको हम बीच में छोड़ भी सकते हैं, राइट। अब हम एक एक थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं हर चैप्टर का, किस बारे में क्या चैप्टर डील करता है, देन ओनली वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इसको फिर हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप, क्या होती है, या पार्टनरशिप की कहीं डेफिनेशन दे रखी है क्या? व्हाट इज पार्टनरशिप, आप अपनी एक सिंपल भाषा में बताइए, कानूनी भाषा तो हम जान ही लेंगे, लेकिन आपको क्या नजर आता है व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। When at least two person agree to do a business and share profit. हाँ जी, चैप्टर नंबर वन जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 1, 2, 3, तो इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज है, अगर अभी ही हम कवर कर लेंगे जहां पे लिखा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, हम उसी को प्रोसीड करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि आज हमारे सेक्शंस हो भी जाएंगे, कुछ सेक्शंस हम कर भी लेंगे और आगे का एक ओवरव्यू भी ले लेंगे। देखो सेक्शन नंबर 1 जो है वो डील करता है, दैट इज डीलिंग विद द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अभी हम बात करेंगे पार्टनरशिप पे दोबारा से, अब मैं एक सीक्वेंस में ही चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका प्रीएम्बल भी अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है एन एक्ट टू डिफाइन एन अमेंड, ये पार्टनरशिप के लॉ को डिफाइन करता है, अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। एंड अगर सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 में क्या लिखा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, तो ये जो एक्ट कहलाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहलाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा और ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होगा, होल ऑफ इंडिया। अब जम्मू कश्मीर वगैरह को हटा दीजिए, वो बात अलग है, अब दोबारा से चर्चा चल रही है जम्मू एंड कश्मीर को किस तरीके से, या तो जम्मू को अलग करेंगे या कश्मीर को अलग करेंगे, कैसे उसमें अब दोबारा लेजिस्लेटिव
सीट्स बढ़ाएंगे, वो भी चल रहा है ठीक है। दोबारा से भी आपने पता है पीएम मोदी साहब की बैठक हुई थी, ये जितने भी लीडर्स हैं फारूक अब्दुल्ला, वो सारे एक अलग इश्यू है, पॉलिटिकल इश्यू है, बट वी नो इट आज के टाइम में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होगा। डे मैंने आपको बता दिया ये विद इफेक्टिव फ्रॉम कौन सी डे से इफेक्टिव है, 1st of October 1932, बट सेक्शन 69 जो है वो इफेक्टिव होगा 1st of October 1933, जो कि रजिस्ट्रेशन से डील करता है। सेक्शन 2 की बात करें तो 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन में उस डेफिनेशन को समझने से पहले हम पार्टनरशिप को ही समझ लेते हैं, बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप में ये वर्ड्स यूज होंगे राइट। देखो क्योंकि जैसे अगर हम बात करें डेफिनेशन के, डेफिनेशन में एक्ट ऑफ फर्म यूज हुआ है, वर्ड एक्ट ऑफ फर्म। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहाँ रहेगा बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा डेफिनेशन जो बिजनेस की दी है। एंड ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फिर ई इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। देखो सी में क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब द रूल मेड इन दिस एक्ट, कुछ इसमें जरूरत ही नहीं है इंटरप्रिटेशन की। थर्ड पार्टी मतलब यूज इन द रिलेशन टू द फर्म और टू अ पार्टनर देयर इन मीन एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। जो थर्ड पार्टी कौन होगा, पार्टनर्स के अलावा जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी के लाएगा, पार्टनरशिप से जो डील कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म से जो डील कर रहा है वो थर्ड पार्टी होगा ठीक है। और एक्सप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ई इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द इंटरप्रिटेशन। एक्सप्रेशन यूज्ड, अब एक चीज आप समझेंगे, मैंने आपको बताया ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसके जो प्रोविजन थे पहले 239 to 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, बट हमने एक स्पेशल लॉ बना दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सपोज कीजिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, अगर आप डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन तो सिर्फ 5 डेफिनेशन दे रखी है, वो भी 4 काम की है, क्योंकि ई में जो डेफिनेशन की बात लिखी है, लिखे एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में जो चीज डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, तो जो जो डिफाइंड नहीं है उसका हम एक्सप्रेशन कहां से यूज करेंगे, हम कहां से उसका अंदाजा लगाएंगे इसका कहने का अर्थ क्या है। सो एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, जो इस एक्ट में निर्धारित नहीं की गई है, एंड डिफाइंड इन कहां पे निर्धारित की गई होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो बताया गया होगा, जो डेफिनेशन वहां दी गई होगी, शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन दैट एक्ट, इस एक्ट में भी उनका इंटरप्रिटेशन, उनका मीनिंग हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लेंगे। अब सपोज अगर हमें देखना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो हमें वहां पे पता है ना कि प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, वो सारी डेफिनेशन हम वहीं की ले लेंगे। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टनरशिप किस लिए बनाई जाएगी, क्या इलीगल एक्ट के लिए बनाई जाएगी पार्टनरशिप, इट फॉर द पर्पस शुड बी लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 10 में पढ़ा था ना, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए हमें जो सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सेक्शन 10 की, सबसे पहले कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, सेक्शन 10 में क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर नहीं होना चाहिए, बट क्या हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कहता है कि क्या माइनर भी पार्टनर हो सकता है, क्या कहना माइनर भी या पार्टनर, माइनर पार्टनर हो सकता है, एक का आंसर ऑलरेडी आ चुका है यस, तो माइनर अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो मना करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, बट कहना माइनर बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप एक्ट, डेफिनेटली ही कैन बी अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। सेक्शन 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन आता है यहाँ से राइट। तो कॉम्पिटेंसी की बात करें तो डेफिनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कहता है माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है सेक्शन 30 के माइनर पार्टनर हो सकता है, और सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो सेक्शन 11 साफ साफ बात करता है कि माइनर पार्टनर नहीं हो पाएगा ठीक है। तो अब ये इसीलिए हमने क्या करा कि स्पेशल लॉ बनाया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो स्पेशल लॉ तो ये है, ये एक जनरल लॉ है,
कौन सा सुपरसीड करेगा, कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा इन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो स्पेशल लॉ ही हमेशा प्रिवेल करता है और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज अ स्पेशल लॉ, मैंने यहाँ लिखा भी है आपके सामने। तो इसलिए माइनर से संबंधित अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं तो वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं मानेंगे, हम सेक्शन 30 को मानेंगे, इज दैट क्लियर। बट उसके अलावा अगर जो चीजें भी रह जाएंगी और हमें समझने के लिए कुछ इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी, कुछ फ्रेजेस की जरूरत होगी, कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी की जरूरत होगी, तो विच इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निकला तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप यहीं से ही है ना। इज दैट क्लियर? ई समझ में आ गया आपको डेफिनेशन का? ई आपके सामने बैरेक्ट भी होगा, बट ये बेसिक सी बातें हैं, समझ में आ गया हो तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और अगर हम सेक्शन 3 को पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, ये भी किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है, द अनरिपील्ड प्रोविजन, जिनको खारिज नहीं किया गया अभी तक, खत्म नहीं किया गया है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, save in so far as they are inconsistent with the express provision of this act shall continue to apply the firm. अगर Indian Contract Act के वो provision, वैसे तो एक बात सिंपल सी है, हम ऑलरेडी रिपील्ड कर चुके हैं सेक्शन 239 से 266, अब है ही नहीं वहां पर, लेकिन उसके अलावा भी कुछ भी अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में संबंधित होगा पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो वो एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, बशर्त है, बशर्त है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 3 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है, अगर कोई प्रोविजन है जिसको रिपील नहीं किया गया है और वो अप्लाई हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट पे, तो इट मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट, असंगत नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट के, ठीक है। और ई में तो ये बात ही की गई जो यहाँ डिफाइन नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तो वहां से हम उसका यूज कर लेंगे। तो अभी हमारा सेक्शन 2 में सिर्फ दो चीजें बची हैं, एक्ट ऑफ द फर्म और द बिजनेस। इज दैट क्लियर? सेक्शन 3 तक क्लियर है? यस सर। चैप्टर 1 खत्म भी हो गया, चैप्टर 1 इज ओवर, विल प्रोसीड टुवर्ड द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो सेक्शन नंबर 4 ही है। सेक्शन नंबर 4 किस बारे में डील करता है, अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर जो 2 है जिसमें हम सेक्शन जो कवर किए गए, सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप के डेफिनेशन बताता है, और इसमें हम सेक्शन कवर करेंगे 8 तक, सेक्शन 4 to 8। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, देन बहुत इजी हो जाता है चीजों को समझना। डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई गई है, पार्टनर क्या होता है ये भी बताया गया है, फर्म क्या होता है ये भी इसमें बता दिया है, और अल्टीमेटली फर्म नेम क्या होगा ये भी बताया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, व्हाट इज पार्टनरशिप। बैरेक्स अगर आप लोगों के पास है थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द पर्सन। वर्ड क्या यूज हुआ है, पर्संस, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of a business, profit of business, carrying on by all,
कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये डेफिनेशन समझ लेंगे तो हमें पार्टनरशिप ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर बेसिक चीजें रह जाती हैं. नाउ सबसे पहले चीज रिलेशन. पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, इज अ रिलेशन बिटवीन टू, इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन. अब यहाँ पे पहले रिलेशनशिप को समझाने से पहले हम पर्सन देख लेते हैं. यहाँ वर्ड यूज हुआ है persons. That means पार्टनरशिप अकेला इंसान तो कर ही नहीं सकता, पार्टनरशिप में एटलीस्ट टू और मोर पर्सन चाहिए. वर्ड यूज हुआ है persons. अकेला इंसान पार्टनरशिप किसके साथ करेगा, तो देयर मस्ट बी पार्टनर. ठीक है, पार्टनर होने चाहिए, तो एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो, देन ओनली इट कैन कम इन टू द रिलेशनशिप, तभी वो रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे. और पार्टनरशिप जो है एक लीगल एंटिटी नहीं है. एक बात और आप लिख लेंगे, इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी. इसलिए इसको कहा गया रिलेशन पे फोकस किया गया. ये दो लोगों का रिलेशन है एक दूसरे से. तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन जो इस बात से सहमत हुए हैं. किस बात से सहमत हुए हैं, एग्री होना चाहिए. एग्री कब होंगे, जब इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा. एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इन अ लॉफुल मैनर काम करने के लिए होना चाहिए. भाई पार्टनरशिप क्या हम कर सकते हैं, स्मगलिंग के लिए. पार्टनरशिप ही अनलॉफुल हो जाएगी तो उसका औचित्य नहीं होगा, तो वो इलीगल हो जाएगी. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा के बीच में. और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट होता है. पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है और उसके पीछे लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल मैनर होना चाहिए. और जो लोग सहमत हुए हैं, जो एग्री हुए हैं, वो मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए. ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सेक्शन 10 लिख रहा हूँ ना मैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, आपने मुझसे एक अभी मैंने आपसे पूछा क्या माइनर जो है वो पार्टनर हो सकता है, आप सबका आंसर यस आया. बट अगर सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए. जब पार्टनरशिप बनाई गई है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक इंसान की एज सपोज करो 25 इयर्स है, क्या ये दूसरे वाले इंसान की एज 17 साल हो सकती है? कैन दे कम इन टू द पार्टनरशिप? क्या ये आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या ये एग्री हो सकते हैं किसी काम के लिए? नो सर. हाँ जी. नो सर. बिल्कुल नहीं हो सकते. बिल्कुल सही है आपका आंसर, नहीं हो सकते. ये दोनों मेजर होने चाहिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे. ये दोनों मेजर होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए. कौन सा, इंडियन मेजोरिटी एक्ट अप्लाई होगा. हमारे इंडिया में 18 साल से ऊपर का इंसान है उसको हमने मेजर कहा है. वो बात अलग है जिसका गार्जियन अपॉइंटेड है वो 21 इयर्स होता है. तो ये शुरुआत में दो लोग, कम से कम दो लोग जब पार्टनरशिप में एंट्री कर रहे हैं, ये दोनों तो कम से कम मेजर होने ही चाहिए. बट अगर सपोज ये थर्ड पर्सन को बनाते हैं पार्टनर, अब सपोज करो ये 25 का है, ये भी 25 का है, बट अगर ये थर्ड इंसान को लेके आते हैं जिसकी एज जो है वो 17 साल है, कैन ही बिकम अ पार्टनर? क्या ये बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है. लेकिन ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये दो लोग तो मेजर होने ही चाहिए, देन ओनली दे कैन कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप. सो साउंड माइंड होना चाहिए, ऑफकोर्स ही बात है, साउंड माइंड होना चाहिए. अच्छा इंसॉल्वेंट पार्टनर हो सकता है? इंसॉल्वेंट जिसका दिवालिया घोषित हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है, ही कैन नॉट. इंसॉल्वेंट आदमी को आप पार्टनर रखोगे जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो खुद किसी काम का ही नहीं रहा, इंसॉल्वेंट हो चुका, उसको कोई पार्टनर नहीं बनाएगा, राइट? अब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस क्या है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, मैंने अभी आपको होल्ड पे डाली थी सेक्शन टू की डेफिनेशन 2B, बिजनेस. बिजनेस कैसा होना चाहिए, टॉप का बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस कैसा होना चाहिए, टॉप का बिजनेस हो. टी से मतलब क्या है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड प्रोफेशन.
अब देखो ये ट्रेड जो होता है ना, ये तो बिजनेस होता है, बट क्या ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बिजनेस है? ट्रेडिंग ऑफ कोर्स से बात है, बट इनों के अंदर देखो, ऑक्यूपेशन के अंदर जो हमें कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, बट हाँ प्रोफेशन चलाने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ठीक है, ऑक्यूपेशन एक इलिटरेट इंसान भी चला सकता है, तो सारा एक कोई भी ट्रेड बिजनेस तो होगा ही, बट हमेशा सारे ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बिजनेस नहीं हो पाते। बट एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट, बिजनेस इंक्लूड्स करके लिखा है। बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होगा? एवरी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, ये बिजनेस कहलाता है। तो मेन पर्पस क्या है पार्टनरशिप में एंटर करने का? दो या दो से ज्यादा लोग जब पार्टनरशिप में एंट्री करेंगे, एग्री करेंगे किसी चीज के लिए, तो फर्स्ट पर्पस क्या होगा? बिजनेस करने के लिए आए हैं, बिजनेस करना इनका मेन पर्पस होगा। बट सपोज करो दो या दो से ज्यादा लोग जो है, अगर वो आए हैं, उनका पर्पस क्या है कि वे एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, रिलीजियस या चैरिटी करेंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोल दिया है, क्या ये पार्टनरशिप है? इज इट अ पार्टनरशिप? नो इट इज नॉट। व्हाई? बिकॉज रिलीजन का या चैरिटी का पर्पस कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट के लिए कोई खोलता है चैरिटी? चैरिटी तो दान है, दान को भी प्रॉफिट, ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट के लिए दान दे रहे हैं हम? तो अगर आपको ये करना है, चैरिटी खोलना है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलना है, तो आपको कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा? कैसे आप रजिस्टर कराएंगे अपने आप को? सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, तो ये एक्ट अपनाएंगे। बट अगर आपको बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको बिजनेस आप पार्टनरशिप में एंट्री करना है और वो बिजनेस संबंधित है, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 59 में डील करता है। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप नहीं कराओगे तो 69, ठीक है, नहीं कराओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस 69, परिणाम क्या निकलेगा नहीं रजिस्ट्रेशन कराने का? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, बिजनेस समझ में आ गया होगा, कोई भी बिजनेस ट्रेड हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, शेयरिंग द प्रॉफिट। बट बिजनेस हमने क्यों करना है भाई? ताकि हम बिजनेस से जो फायदा मिलेगा हम अपने आप रखेंगे, अपने आपस में बांटेंगे, शेयर करेंगे उस प्रॉफिट को। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की रेशियो जो मर्जी हो सकती है, क्या पता कोई इंसान 1:2:3 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करे। बट अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो शेयरिंग ऑफ रेशो क्या होगा? अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न में नहीं लिखा है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो जनरली कोर्ट में अगर जाए तो ये इक्वल ट्रीट होगा, ये 1:1:1। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज, हूएवर इज टॉकिंग इन द बैक, यू मस्ट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगी पार्टनरशिप, अगर अगर डीड नहीं बनी है और ये कोर्ट में जाते हैं, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो इट मस्ट बी 1:1:1 रेशियो माना जाएगा, इक्वल रेशियो माना जाएगा, अदरवाइज दे कैन शेयर द प्रॉफिट एज पर द डिसाइडेड बाय अमंग देमसेल्फ, जो इन्होंने डिसाइड किया होगा। क्या पता कोई इंसान को सिर्फ 10% प्रॉफिट चाहिए, किसी को 20% चाहिए, किसी को 30% चाहिए, इट कैन बी वेरिएशन हो सकता है, बट शेयरिंग द प्रॉफिट होना चाहिए। बट शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट जो है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट है, वो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है भी या नहीं भी। इट इज अ प्रिमा फेसी एविडेंस, इट इज अ प्रिमा फेसी एविडेंस, प्रिमा फेसी एविडेंस तो है, दिखता तो है कि भैया दो लोग मिलकर या तीन लोग मिलकर प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, बिजनेस जो चला रहे हैं, इट लुक्स लाइक अ प्रिमा फेसी एविडेंस, बट इट्स नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। ये बात समझ में आई? इट कैन बी द टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट, ये टेस्ट हो सकता है कि दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। इट कैन बी द टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट वेदर देर इज अ पार्टनरशिप और नॉट, बट इट इज नॉट अ सोल क्राइटेरिया। वट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज अ कैरिंग ऑन अ बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम। इस फ्रेज को हम बोल सकते हैं
म्यूचुअल एजेंसी। चलो म्यूचुअल एजेंसी में पहुंचने से पहले आप मुझे बताइए, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट समझ में आया आपको? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, दो लोग हैं ए और बी हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं इसको, दो लोग हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ए और बी है। इसने लगाए 10,000, इसने लगाए 50,000 बिजनेस में, और दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। से फॉर एग्जाम्पल ये कॉटन का बिजनेस करते हैं, कॉटन के बिजनेस से इनको अल्टीमेटली 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो भी रेशियो रखे 1:5 की रखें, कैपिटल के हिसाब से रखें, भाई जिसने जितना कैपिटल लेके आया उस हिसाब से हम प्रॉफिट बांटेंगे। या ऐसा भी हो सकता भैया जो 10,000 रुपए लगा रहा है लेकिन ये काम ज्यादा करता है, क्या पता ये काम ज्यादा करता हो, तो ऐसा हो सकता है 10,000 लगाने के बाद भी ये रेशियो जो है इनकी 1:1 की हो। 5,000 का प्रॉफिट तो हुआ लेकिन काम ए ज्यादा करता है। क्यों काम ज्यादा करता है? क्योंकि ए जो एक एक्टिव पार्टनर है, बट बी कैसा पार्टनर है? बी डोरमेंट पार्टनर है। इसने पैसा तो लगा दिया, पैसा तो ज्यादा लगा है लेकिन काम कम करता है, स्लीपिंग पार्टनर है। ये ज्यादा काम करता है, बट आपस में ए और बी में सहमति थी कि मैं 10,000 रुपए ही लगा सकता हूं और मैं इक्वल रेशियो लूंगा प्रॉफिट का। इट कैन बी पॉसिबल, दैट मींस द थिंग्स कैन बी डिसाइडेड व्हाइल मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पार्टनरशिप डेट बनेगी, तो उस वक्त ऐसी बातें सहमत हो सकती है। मैंने आपसे कहा शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बट शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, नहीं होगा। बट हाँ प्रेमेफेसाई है, प्रेमेफेसाई लगता है कि इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप रही होगी, बट जरूरी नहीं है कि जो लोग शेयर करते हैं प्रॉफिट वो पार्टनर भी हो। इस बात पे भी मैं आपको बताता हूं। जैसे उससे पहले आप मुझे बताइए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो ठीक है, बट क्या शेयरिंग ऑफ लॉस भी जरूरी है? शेयरिंग ऑफ लॉसेस नो, ये जरूरी नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हमारे बैरेट में सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बट शेयरिंग ऑफ अ लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई कोई इंसान हो सकता है जो कह सकता है मैं पार्टनर बनने के लिए रेडी हूं। जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा भी पार्टनर होगा जो साफ ये कहता है कि मैं लॉसेस बेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करूंगा, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लॉस मैं नहीं बेयर करूंगा। ऐसा भी पार्टनर हो सकता है। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट शुड बी देयर, बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम इन टू द पार्टनरशिप। अब मैंने आपसे यहां पे कहा था कि ओके हाँ देखो, पार्टनर जो है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट करें, ये जरूरी है, बट ये सोल क्राइटेरिया नहीं है। ऐसे भी दो लोग हो सकते हैं, टू और मोर पर्सन हो सकते हैं, जो आपस में किसी काम को करते हैं और आपस में ये शेयरिंग करते हैं प्रॉफिट का, बट ये पार्टनर नहीं होंगे। आप मुझे बताइए, एक घर है, किसी ने, दो लोगों ने मिलकर एक घर खरीदा, ए और बी ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, इस प्रॉपर्टी को इन्होंने खरीदा 1,00,000 रुपए का, और इन्होंने 1,00,000 रुपए का खरीद कर 2,00,000 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,00,000 का। दोनों ने 50,000 रुपए लगाए थे, दोनों ने 50,000 रुपए लगाए थे, 1,00,000 का मकान खरीदा, 2,00,000 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ? 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों में ये बात भी क्लियर थी कि दोनों प्रॉफिट जो है 50-50% डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ तो दोनों ने 50,000 रुपए डिवाइड कर लिए। क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? इज इट अ पार्टनरशिप और नॉट? यस। How you will say it is a partnership? What test you have applied? आपने कैसे partnership है? Sharing of the profit. आपने कहा भाई profit share कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कहा आपने? और क्या logic लगाया कि partnership है या नहीं? क्या ये बिजनेस कर रहे हैं और इट जस्ट अ वन गो?
जैसे भी इन्होंने एक प्रॉपर्टी को खरीदा बेच दिया, दे आर नॉट म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। वन गो में इन्होंने कर दिया, वन गो भाई, हाँ ठीक है भाई, तुम अपना प्रॉफिट अपने पास रखो, मेरे पास अपने प्रॉफिट है, 50-50 कर लिया। तो क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? आप चीज़ हाँ जी बोलिए, बताइए। There is business नहीं है इनके बीच में। इन्होंने वन गो में करा, पैसा आ गया, प्रॉपर्टी में लगा दिया, प्रॉफिट खा के निकल लिया। इट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए कैरिंग ऑन, ठीक है? मैंने आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था कैरिंग ऑन। देखो क्यों लिखा था इन्वर्टेड कॉमास में, ये नजर आ रहे इन्वर्टेड कॉमास के? बिजनेस होना चाहिए, वो ऐसी एक्टिविटी नहीं हो नीचे भाई एक दिन कर लिया खत्म, अपने घर पे बैठो, दैट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के लिए एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। बिजनेस इज लाइक अ रेगुलर एक्टिविटी जो कैरी ऑन कर रहा हो, जस्ट इन अ वन गो, वन गो में आपने काम करा, प्रॉफिट लेके घर पे बैठे, दैट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है यामिनी? तो सिर्फ ऐसा नहीं इंसान, आप एक दिन आपने काम कर लिया, एक दिन माइंड बना, दोनों लोग बैठे, प्रॉफिट खा के अपने अपने घर निकल लिए, दैट मस्ट बी कैरिंग ऑन अ बिजनेस। याद रहेगा ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वन गो में नहीं होता है बिजनेस। बिजनेस तो बिजनेस चलाना है तो ट्रेड ऑक्यूपेशन करो, वो स्नैप एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नैप एक्ट। ये तो एक वन गो में कर लिया ना, स्नैप एक्ट दैट्स नॉट अ बिजनेस। कोऑनर क्या होते हैं? कोऑनर क्या, कोऑनर पार्टनर होते हैं क्या? को ऑनर पार्टनर होते हैं? नो, दे आर नॉट अ पार्टनर्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि को ऑनर जो है वो पार्टनर भी होते हैं। दोगो एक बात बताइए, एक हमारे ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने क्या करा, वो अपनी संपत्ति छोड़ के गए मरने के बाद, तो उनके दो पोते थे, ग्रैंडसन थे दो, दोनों को कह दिया भाई आप दोनों मेरे मरने के बाद ये जॉइंट ऑनर होंगे, ये दो ऑनर होंगे। ठीक है भाई, सपोज करो वो 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो 1 करोड़ में से जब उन्होंने कहा ये दोनों मालिक होंगे, तो ये कितने का मालिक होगा? 50 लाख का। ये 50 लाख का हो गया, ये अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। yes. ये बिल्कुल बेच सकता है, अपना हिस्सा बेच सकता है, ये अपना हिस्सा बेच सकता है। क्या इसको इससे पूछना पड़ेगा? नहीं पूछना पड़ेगा भाई, जॉइन ये कॉर्नर है, कॉर्नर है तो क्योंकि यहाँ पर 50-50% इनका रेशियो हो गया, डिवाइड हो गया, तो दे कैन अपनी प्रॉपर्टी अलग बेच सकता है, ये अपनी अलग बेच सकता है। लेकिन क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है? पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है क्या उसको वो बेच सकते हैं आपस में? वो तो कंसेंट चाहिए होगी ना, कंसेंट ऑफ ऑल द पर्सन, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तभी वो कुछ चीज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कंसेंट चाहिए, कुछ भी काम करने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। देखो कई बार मेजोरिटी से डिसीजन होता है, पार्टनरशिप में भी कई बार मेजोरिटी से डिसीजन होता है, और कई बार यूनानिमस होना चाहिए, एक मत से, यूनानिमसली। ठीक है, यूनानिमसली डिसीजन होना चाहिए एक मत से। अगर एक बात बताओ, ये यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? 100% होना चाहिए, सबकी हाँ होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, सबकी हाँ में ही हाँ है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे डिसीजन होते हैं जो मेजोरिटी से चल जाते हैं, जैसे कि अगर 10 पार्टनर हैं तो 6 जो हाँ कहेंगे उससे काम चल जाएगा। बट आप मुझे बताइए, अगर हमें माइनर को रखना है, माइनर को पार्टनर बनाना है, तो यूनानिमस डिसीजन चलेगा, मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे? Unanimous decision होगा, क्योंकि बहुत बड़ा decision है ये, that is a very big decision, क्योंकि minor जो होता है, minor responsible तो होगा नहीं किसी चीजों के लिए, हाँ profit जरूर लेगा, तो एक बड़ा decision है ना भाई। सपोज करो 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर है, अगर माइनर को रखना चाहते हैं 11वा हो जाएगा, तो इसको तो सिर्फ बेचारे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, अल्टीमेटली जो बर्डन आएगा 10 पे आएगा, तो 10 की हाँ होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा माइनर को पार्टनर बनाते क्यों है? ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि माइनर को पार्टनर बनाना पड़ रहा है? व्हाट इज द रीजन?
क्या कारण हो सकता है माइनर को पार्टनर बनाने का? क्या माइनर इतना इम्पोर्टेंट है उसे पार्टनर बनाना पड़े? सपोज इफ अ पार्टनर डाइज, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसका सन हुआ, अगर वो माइनर है तो ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ यही सिचुएशन होते हैं जहां पे पार्टनर माइनर को पार्टनर बनाना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस यही होता है कि दो पार्टनर थे या तीन पार्टनर थे, तीन में से ये मर गया, इसका बेटा है तो इसको पार्टनर बना लेते हैं। ये रीजन होता है, बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, इसको पार्टनर बना लेते हैं। बट आपने एक चीज पढ़ा होगा सेक्शन 6 के अंदर एक बात लिखी है, जो विडो है या विडो चाइल्ड है, ठीक है, पार्टनर था, पार्टनर के मरने के बाद जो विडो है और उसको चाइल्ड है, इनको पैसा जाता है पार्टनरशिप से, इनको प्रॉफिट जाता है, एन्यूटी जाती है, यू कैन से एन्यूटी जाती है कि पार्टनर इनके जो फादर थे, इस बच्चे का जो फादर था और इसका जो हस्बैंड था, ये पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन मरने के बाद जैसे तीन पार्टनर थे, ये पार्टनर जो मर जाता है अपनी विडो छोड़ जाता है और उसका बच्चा, लेकिन ये दोनों पार्टनर ने कहा भैया इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है इस पार्टनर ने, तो अब एन्यूटी तो देनी बनती है, तो विडो और चाइल्ड को एन्यूटी जाता है, पैसा जाता है मरने के बाद। क्या विडो और चाइल्ड पार्टनर होंगे? नो। और लोग भी बताइए इसका आंसर, क्या विडो और चाइल्ड पार्टनर होंगे? नो सर, ये पार्टनर नहीं होंगे, ना ही विडो ना ही चाइल्ड। बट क्या ये पार्टनर बनाए जा सकते हैं? क्या विडो को पार्टनर बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, अगर क्यों, देखो है तो बच्चा, सपोज ये चाइल्ड 10 साल का है, ये पार्टनर नहीं है, अपने फादर के मरने के बाद ये पार्टनर नहीं बन जाता ऑटोमेटिकली, ना ही विडो बन जाएगी ऑटोमेटिकली, बट इसको पार्टनर बनाया जा सकता है, पार्टनर बनाना पड़ेगा तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू पार्टनरशिप डेवलप होगी। देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल दूं, अदरवाइज पार्टनरशिप बोला जाएगा। पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी नई तरीके से, जिसमें चाइल्ड को माइनर को पार्टनर बनाना पड़ेगा, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है, ये दोनों बोथ द पार्टीज का मतलब ये दोनों पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है। समझ में आ गया? तो मैंने आपसे कहा था शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट भी हमें देखना पड़ेगा भैया, कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहीं को पार्टनर को ऑनर तो शेयर नहीं कर रहे। को ऑनर क्या हो सकते हैं? को ऑनर वो भी हो सकते हैं, ए और बी जो हैं एक प्रॉपर्टी के मालिक है, प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉफिट खा जाते हैं। दो भाई हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है उसमें दो भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉफिट खाते हैं, वो फैमिली बिजनेस हुआ, लेकिन वो पार्टनरशिप थोड़ी ना हुई, ठीक है। और एक चीज हम समझते हैं सेक्शन 5 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि पार्टनरशिप बनाने से बनेगी, पार्टनरशिप जो है उसके लिए आपको इन पार्टनरशिप में आना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, वो एग्रीमेंट से बनेगी, स्टेटस से नहीं बनती पार्टनरशिप। मैंने अपने परिवार में जन्म लिया, वो बिजनेस करते हैं, मैं बिजनेस फैमिली में मैंने बर्थ लिया है, तो क्या मैं पार्टनर भी हूंगा उसका? I'm not a partner, but I'm a partner because I've taken a birth in a Hindu undivided family. तो status से नहीं बनती partnership, ठीक है? मैंने birth लेने से, क्योंकि यहाँ तो inheritance है, स्वाभाविक मैं उसका member होऊंगा ही होऊंगा Hindu undivided family का। तो ये कुछ basic बातें थी, वापिस चलते हैं जिस चीज पे हम बात कर रहे थे। Okay, so we were talking about the sharing of the profit. शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए, ये टेस्ट तो है, बट इट्स नॉट अ सोल क्राइटेरिया। और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यानी यहाँ क्या लिखा है, कैरिंग ऑन बिजनेस को, काम बिजनेस को करते हैं वो बाय ऑल, या तो सारे मिलकर काम करें भाई, सबके सब ऑफिस आएंगे, 10 पार्टनर है, 10 के 10 पार्टनर ऑफिस में आएंगे तब जाके हम काम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कैरिंग ऑन, कैरिंग ऑन क्या कर रहे हैं, बिजनेस बाय ऑल, सारे काम करेंगे,
सबके सब 10 के 10 पार्टनर बिजनेस करेंगे, सारे के सारे ऑफिस आएंगे, कैरिंग ऑन बाय ऑल, और या तो एनी ऑफ देम कोई एक काम कर दे, कोई भी एक काम कर रहा है एनी ऑफ देम, ये 9 लोग घर पे बैठे हैं आराम से एसी में बैठे हैं, बेचारा मेहनत करता है तो मेहनत करता तो एक्टिव पार्टनर हो सकता है। कैरिंग ऑन अ बिजनेस बाय ऑल और एनी ऑफ देम, बट ये जो कोई भी जो काम करेंगे एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम हो रहा है एक्टिंग फॉर ऑल। ये 9 लोग जो है घर पे बैठे हैं, बट ये प्रॉफिट तब भी मिलेगा इनको, प्रॉफिट तब भी मिलेगा अगर प्रॉफिट होता है, चाहे एक इंसान काम कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। हमने एजेंसी जब पढ़ा था, आप मुझे बता सकते हैं एजेंसी में जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का है, सेक्शन 182 से लेकर 238 तक वो म्यूचुअल एजेंसी है, ये एजेंट और प्रिंसिपल वाली बात है? क्या प्रिंसिपल और एजेंट म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो? नो सर, यूनिलैटरल एजेंसी, प्रिंसिपल एंड एजेंट। हाँ जी सर, ओनली 1 पर्सन इज प्रिंसिपल एंड अदर इज एजेंट, बट इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल और एजेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जहां पे एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। क्या क्या इस एक तो प्रिंसिपल है, एजेंट है, राइट? यही हमने पढ़ा ना एजेंसी में। बट क्या एजेंट प्रिंसिपल भी हो सकता है, वाइस वर्सा होता है? वहां नहीं होता है, वहां बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही रहता है, एजेंट एजेंट ही रहता है, एजेंट प्रिंसिपल नहीं बनता वहां पर, ठीक है? बट यहाँ पर म्यूचुअल वर्ड यूज हुआ है, यानी जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ऐसी ये वाला पार्टनर इसका प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। That is called mutual agency, and that is a real test. यही एक real test है। ये एक बहुत important test है कि mutual agency होनी चाहिए partnership पे। और partnership it is depending upon the trust, एक दूसरे पे trust करते हैं इसलिए लोग enter कर रहे हैं partnership में। और section 6 में real test की बात की है। Real test क्या है? वो हमें case to case depend करता है, देखना पड़ता है। What is a real intention between the parties? लोगों के बीच के मन में क्या है? उनका रियल इंटेंशन क्या है? क्या वो म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट करी है? क्या वो प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग शेयर करेंगे? और प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग अगर कर रहे हैं तो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? ठीक है, प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग अगर कर रहे हैं तो व्हाट इज द कैपेसिटी? क्या कैपेसिटी आपकी सर्वेंट की है? भाई सर्वेंट भी तो प्रॉफिट होने के बाद पैसा मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, तो सर्वेंट इज नॉट अ पार्टनर। क्या एम्प्लॉय पार्टनर होगा? एम्प्लॉय इज नॉट अ पार्टनर। क्या जो इंसान जिसको हम सैलरी देते हैं, जिसको हम सैलरी देते हैं, वो पार्टनर होता है या नहीं होता, तो हमें देखना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, अगर सपोज हमने 2-3 पार्टनर है, 1-2-3, इसमें से इसको, ये तो इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन इसको हम 20,000 रुपए सैलरी देंगे पर मंथ, क्या ये पार्टनर है या नहीं है? फिर हमने देखना पड़ेगा, या हमने हमें रियल इंटेंशन देखनी है, क्या पता ये पार्टनर भी हो। माना तब भी हमें रियल इंटेंशन देखना पड़ेगा, क्या पता ये पार्टनर ने कह दिया भाई मुझे मतलब नहीं है, आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, मुझे 20,000 रुपए आप दोगे ही दोगे, वो तो मैं पार्टनर हूं, मैं अपनी लेबर और स्किल दे रहा हूं, मुझे 20,000 रुपए देने ही देने। देन ऐसा नहीं है कि जो हर इंसान सैलरी ले रहा है वो पार्टनर नहीं हो सकता, सैलरी लेने वाला भी पार्टनर हो सकता है, बशर्ते उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वी हैव टू फाइंड इट आउट। सर सेक्शन 6 में पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया ना कि इन पर्टिकुलर द रिसीट ऑफ सच शेयर ऑफ पेमेंट टू बी पॉइंट में बाय अ सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। सर्वेंट और एजेंट, सर्वेंट नॉट पार्टनर पे एजेंट होता है, तो अगर वैसे अप्लाई करें तो हाँ देखो वो सर्वेंट है, सर्वेंट तो गुलाम गुलाम ही रहेगा, वो कभी पार्टनर नहीं बन पाएगा, सर्वेंट नौकर। एजेंट जो है, एजेंट का वाला एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अप्लाई होगा 182 से 238। बट कई बार ऐसा हो सकता है कोई इंसान कह रहा है भैया मेरे को प्रॉफिट होगा तो मुझे आप सैलरी देना, और मेरे को इतना अमाउंट तो चाहिए चाहिए। वैसे
पार्टनरशिप के एक्ट में भी लिखा है कि सैलरी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ये भी लिखा है क्लियरली सेक्शन में। बट हाउएवर एक चीज मैंने आपको बताई, पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख रहे हैं, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख रहे हैं, देन द कोर्ट हैज टू फाइंड आउट, कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इंसान को सिर्फ सैलरी से मतलब है। अगर सिर्फ सैलरी से मतलब है तो वो इम्प्लॉई है फिर, तो वो पार्टनर नहीं होगा फिर। बट अगर उसका सैलरी भी है, इन्वॉल्वमेंट भी है, म्यूचुअल लायबिलिटी भी है, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, म्यूचुअल एजेंसी भी है, देन इट इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप। कोर्ट हैज टू फाइंड आउट, सेक्शन 6 जो है ना उसमें कोर्ट का काम रोल ज्यादा है। कोर्ट हैज टू फाइंड आउट द रियल इंटेंशन बिटवीन द पार्टी ऑन व्हिच ग्राउंड दे हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप। चाहे माना आप 20,000 रुपए ले रहे हैं, बट आपका रोल कितना है बाकी और कामों में। देखो मैं इम्प्लॉय अगर हूं तो एम्प्लॉय तो कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता। मैं अगर MIT यूनिवर्सिटी में काम करता हूं तो मैं अशोक चौहान जी का पार्टनर थोड़ी ना हूं, मैं तो 50,000 से मतलब था। क्या मैं और चीजों में काम करता था, मेरा इन्वॉल्वमेंट अशोक चौहान जी के साथ था या नहीं था, अशोक चौहान जी के एक्ट के लिए क्या मैं लायबल था, क्या मेरे एक्ट के लिए अशोक चौहान जी लायबल थे, तो दो सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया रियल इंटेंशन सेक्शन 6 में वो हमें देखना पड़ता है। तो एक इंसान जो सैलरी ले रहा है वो भी पार्टनर हो सकता है बशर्ते और टेस्टों को फुलफिल करता हो। बहुत डिटेल में जाएंगे अभी हम, कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है कई बार, हम क्या करते हैं चीज को समझते नहीं है। इलस्ट्रेशन ऐसे ही आ जाएगी, एक सैलरी लेता है लेकिन वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है इन द डिसीजन मेकिंग इन एवरीथिंग, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ द कंपनी। भाई एक बार बताओ, अगर ये 20,000 ले रहा है, अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि भाई तेरे को 20,000 तो देंगे, अगर लॉस होगा तो वो भी तू बियर करेगा, अब बताइए क्या ये पार्टनर है? सर ही कैन बी अ पार्टनर। अब ये पार्टनर लग रहा है क्यों? क्योंकि लॉस बियर कर रहा है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये पार्टनर ही नहीं लगता। देखो मैं अगर नौकरी कर रहा हूं, मैंने अगर MIT यूनिवर्सिटी में नौकरी करी, आप लोगों ने भी कहीं नौकरी करी हो, क्या आप लॉस बियर करते थे? आप नहीं करते थे। आप प्रॉफिट के लिए, आप ऐसा भी नहीं कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे देना, आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता था, तो यू आर अ सैलरीड पर्सन, यू कैन नॉट बी अ पार्टनर। बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर लॉस हुआ तो वो भी बेयर करना पड़ेगा, देन ये बता रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट कि आप कहीं ना कहीं पार्टनर है। ठीक है, अभी मैं केस लॉस नहीं करा रहा हूं, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे केस लॉस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस तो आपको पता ही है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप इतनी बात तो समझ में आई होगी, एक इंसान एजेंट है और एक प्रिंसिपल है, और वही प्रिंसिपल है वही एजेंट है, दैट इज कॉल्ड अ म्यूचुअल एजेंसी। ओके, तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन होगी। इसमें हमने 2A और देख लेते हैं, ये खत्म भी हो जाएगा 2A, फिर हम कल इसमें चर्चा भी नहीं करेंगे, आगे से ही पढ़ेंगे इसके। सेक्शन 2A जो हमारा रह गया, 2A में क्या लिखा है? एक्ट ऑफ द फर्म। एक्ट ऑफ फर्म क्या होगा? एक्ट ऑफ फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन, कोई एक्ट होगा या कोई ओमिशन होगा बाय ऑल द पार्टनर्स। Or by any partner, or any partner, or agent of the firm, which give rise to a right enforceable by or against the firm, enforceable by or against the firm. जो फर्म के खिलाफ किया जा सके, एनफोर्स कराया जा सके किसी एक्ट को बाय फर्म के द्वारा या फर्म के अगेंस्ट, वो होगा एक्ट ऑफ द फर्म। मैंने आपको बताया सारे लोग काम करें या तो सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली दे वुड बी अकाउंटेबल टू द फर्म, वो फर्म का एक्ट माना जाएगा, या कोई एक भी करता है वो भी माना जाएगा काम, या कोई फर्म का एजेंट है। भाई सारे काम पार्टनर थोड़ी ना करेंगे, हमें एजेंट भी रखने पड़ेंगे, तो एजेंट के काम के लिए फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है,
और फिर अगर एजेंट अगर हम रखेंगे, अगर एक पार्टनरशिप ने फर्म ने एक फर्म ने पार्टनरशिप फर्म ने एजेंट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लॉ गवर्न करेगा? विच लॉ विल गवर्न बिटवीन देम? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया ना। पार्टनरशिप फर्म ने एजेंट रख रखे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 182 से लेकर 238 तक के जो भी लॉ है वो गवर्न करेगा। एजेंट जो विद इन द अथॉरिटी काम करेगा उसके लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी, ठीक है। फिर वही वाले सारे अप्लाई हो जाएंगे जो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। विद इन द अथॉरिटी करता है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। इफ इट इज आउट ऑफ द अथॉरिटी, बियॉन्ड द अथॉरिटी, द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। इज दैट क्लियर? वो सारे हम जो प्रोविजन इसमें पढ़ चुके हैं, एक्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। यानी फर्म जो है एनफोर्स भी करा सकते, गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय फर्म के द्वारा, फर्म के जो काम किए गए होंगे उनके जरिए एनफोर्स करा सकती है, या फर्म के कामों से जो नुकसान थर्ड पार्टी को पहुंच रहा है फर्म पे मुकदमा भी किया जा सकता है। एक चीज आप मुझे बताइए, जो पार्टनर्स होते हैं आपस में वो जॉइंटली लायबल होते हैं या सेवरली लायबल होते हैं? और सेवरली है या जॉइंटली एंड सेवरली है? जॉइंटली और सेवरली सर, एंड कहाँ लिखा ये? कहीं है बेरट में बताइए जरा। जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे पार्टनर, बताइए कहीं है तो। सर सपोज किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस हो रहा है तो या तो सभी पार्टनर्स को के अगेंस्ट किया जाएगा तब वो जाएंगे जॉइंटली, या फिर एक 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 पार्टनर के अगेंस्ट किया जाएगा तो जॉइंटली और सेवरली हो गया ना सर। सेक्शन 25 क्योंकि ऐसा तो नहीं। हाँ जी बोलिए। तो सेक्शन 25 ऑफ इसी पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जॉइंट एंड सेवरली लायबल होंगे। हाँ जी, हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और वही हम गड़बड़ कर जाते हैं। इस और को हटा देना, जॉइंटली भी लायबल है एंड सेवरली भी लायबल है। सेक्शन 25 देख लीजिए जरा। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर एंड ऑल्सो सेवरली, ठीक है, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। ये पेपर में बहुत बार आता है एमसीक्यू, हमेशा और वगैरह पे चले जाते हैं, इसमें एंड ही लिखना है। इसको आपका लॉजिक ठीक होगा यामिनी, आई एम श्योर जो आप इलस्ट्रेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट उसमें हम एंड वर्ड यूज करेंगे। जैसे सपोज करो मैं आप नहीं बताता हूँ, एक इंदरजीत है मेरे साथ, एक और जो सर थे उनका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, ना मैं ज्यादा चीजें बता रहा हूँ। हम दोनों पार्टनर थे, वी हैव स्टार्टेड अकेडमी, हमने लॉ की अकेडमी स्टार्ट करी थी, आई विल नॉट नेम इट हियर। और हमारे सपोज करो जो स्टूडेंट से, इफ द स्टूडेंट वांटेड टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अस, या तो वो ऐसा सूट फाइल करते एक्स वाई जेड वर्सेस आई एन जे, दोनों पे कर सकते थे, या तो एक्स वाई जेड जो स्टूडेंट है दे कैन सू ओनली आई और दे कैन सू ओनली जे, दे कैन सू फर्म का नेम जो होगा फर्म नेम पे सू कर सकते थे। बट सपोज करो किसी स्टूडेंट ने या किसी थर्ड पार्टी ने एक्स वाई जेड ने ओनली सू किया आई को, सू किया आई मीन इंदरजीत को ही सू किया, और इनको मेरे को पैसा देना पड़ा, सपोज करो 1,00,000 रुपीज पे करना पड़ा, ठीक है, मेरे को 1,00,000 रुपए पे करना पड़ा एक्स वाई जेड को, तो ये जो 1,00,000 है, हम दो पार्टनर थे ना आई एंड जे, दे वर द टू पार्टनर्स। अब मैंने तो 1,00,000 रुपए पे कर दिए, बट ये 1,00,000 रुपए से मेरी लाइबिलिटी तो 50% थी ना, तो वट आई कैन डू, आई कैन सू जे फॉर द रिकवरी ऑफ 50,000 रुपए विच आर पेड। तो इसको बोलते हैं जॉइंटली एंड सेवरली, यानी ये जो एक्स वाई जेड है या तो ये जॉइंटली सू कर दे आई एन जे को, चाहे ये आई को सू करे चाहे ये जे को सू करे, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज जॉइंटली और सेवरली। जॉइंटली लायबल है, सेवरली भी है।
बट अगर मैंने आई ने ही पे कर दिया एक्स वाई जेड को तो आई कैन रिकवर फ्रॉम द जे, ठीक है यामिनी? ओके सर जी, ऑल और एंड से इफेक्ट हो जाता है कि जो कंट्रीब्यूशन का राइट होता है बाद में, अगर हम और लिख रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूशन का राइट नहीं होता है, लेकिन अगर हम एंड लिख रहे हैं तो द अदर पार्टनर कैन रिकवर फ्रॉम द अदर पार्टनर। हाँ जी, ये रिकवर भी करेगा, ये आई जे से भी रिकवर करेगा, ठीक है? और गलती मत करना और लिख के, ठीक है? एंड ही लिख, तो याद रहेगा। ये भी तो सू कर सकता ना, आई जे को भी सू कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट एंड देयरफॉर द जॉइंटली इन सेवरल लायबल। ऐसे ही पार्टनर और पार्टनर और पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे दे आर जॉइंटली इन सेवरल लायबल, ठीक है? अगर एक पार्टनर अपनी लायबिलिटी सबकी चुका चुका है तो ये पार्टनर और उसे भी रिकवर कर लेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़ना है, और डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैं अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी हम और डिटेल में जाएंगे, वो भी प्रॉब्ली 7-8 क्लास लगती है इसमें, ठीक है? अब जैसे मुझे आप एक बेसिक बातें बताइए, तो म्यूचुअल एजेंसी आपको शायद क्लियर हो गया होगा, सब एक दूसरे के पार्टनर भी हैं, सब एक दूसरे के एजेंट भी हैं, सब एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। ओके, अब आप मुझे आप बता दीजिए जरा जल्दी से, पार्टनरशिप में कितने मेंबर चाहिए मिनिमम? सर मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज सर अकॉर्डिंग टू 2014 कंपनीज एक्ट 100, लेकिन उसके बाद सॉरी 2013 एक्ट, उसके एक रूल्स आए थे 2014 रूल्स, उसके अकॉर्डिंग 50 है। तो सर आई एम कंफ्यूज कि एक्चुअल क्या है मिनिमम 50, ठीक है? तो आज भी वैसे तो मिनिमम 2 चाहिए, 50 से ऊपर हो जाएंगे तो पार्टनरशिप नहीं भैया, या तो कंपनी बनाओ, पार्टनरशिप में आप काम नहीं कर सकते 50 से ऊपर हो जाएंगे। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कुड बी 50, ठीक है? पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। पार्टनरशिप जो पार्टनर्स के काइंड कितने होंगे, कितने टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं, कितने टाइप के पार्टनर्स होंगे? एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर को आप ऑस्टेंसिबल भी बोल सकते हैं। ऑस्टेंसिबल, ये वर्ड कहाँ सुना है आपने? ऑस्टेंसिबल ओनर सेल टीपीए, टीपीए में सुना होगा। एक वो इंसान जो नजर आता है, दिख रहा भैया यही काम करता, यही एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर अगर बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ के जाता है, नोटिस रिक्वायर्ड है या नहीं है? डेफिनेटली यस, बिल्कुल जरूरी है भैया। ज्यादातर लोग तो इंद्रजीत को जानते हैं ना, मैं सारे काम करता था, तो सारे लोग जो भी डील करते थे जब हमारी पार्टनरशिप थी, तो सारे लोग मेरे से डील करते थे, बिकॉज आई यूज टू मेक अ कॉल, जो भी लोग आते थे मेरे से इंक्वायर करते, तो आई यूज टू बी एक्टिव पार्टनर। सो देयरफॉर इफ आई एम लीविंग द पार्टनरशिप, देन आई हैव टू गिव अ नोटिस। अगर मैं नोटिस नहीं देता हूं तो क्या होगा? इफ नो नोटिस, और कई लोग आज भी मेरा नाम लेकर आते हैं और दूसरे वाले जो लोग हैं वो मेरा नाम यूज करके दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरा नाम यूज कर रहे हैं, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? एक्टिव पार्टनर लायबल होगा अगर नो नोटिस दिया तो, कोई नोटिस नहीं। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा? 72 अनोटिस, बिल्कुल ठीक है, वो तो आपकी नोटिस की बात है। क्या मैं होल्डिंग आउट के लिए अप्लाई होऊंगा? यस, तो सेक्शन 28 भी तो अप्लाई हो जाएगा, भाई मैं बाहर जा रहा हूं तो नोटिस देके जाऊं, नहीं तो होल्डिंग आउट भी अप्लाई हो सकता है। मेरे एक्ट से लोगों को लग रहा है मैं तो आज भी पार्टनर हूं, तो कहीं ना कहीं जब मैं जाऊंगा, एक्टिव पार्टनर जब जाएगा तो नोटिस देके जाए, लोगों को बता के जाए कि मेरा और पार्टनर का रिश्ता खत्म हो गया है। अगर अब आप डील करोगे पार्टनरशिप फर्म से अपने रिस्क पे करना, ऑस्टेंसिबल बोल दिया गया, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो नोटिस बहुत जरूरी है, एक्टिव पार्टनर जाएगा नोटिस देना ही पड़ेगा। दूसरा पार्टनर क्या हो सकता है? डोरमेंट हो सकता है। डोरमेंट पार्टनर कौन होता है? जो सिर्फ नाम मात्र का है, काम वाम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं इसको, स्लीपिंग पार्टनर, सो रहा है, काम नहीं करता ज्यादातर, चुपचाप अपना छोटा मोटा पैसा लगा के बैठ गया साइड में बस। डोरमेंट पार्टनर अगर जाएगा, नोटिस की जरूरत है या नहीं है? डोरमेंट पार्टनर अगर छोड़ के जाता है, नोटिस जरूरत है या नहीं है?
नहीं जरूरत है, अरे तेरे को तो पहले भी कोई नहीं जानते थे, अब नोटिस देके क्या करेगा? लॉजिक भी समझ में आ रहा है ना, तेरे को तो पहले भी कोई नहीं जानते थे, अब क्या करेगा, नोटिस देके मत दे, चल काम चल जाएगा। थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर होते हैं कुछ लोग, नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? नाम मात्र के। नाम मात्र का पार्टनर कौन हो सकता है? जो सिर्फ ये कहता है भैया एक काम करो मेरा नाम तुम चलाओ बाकी छोड़ो। नाम भी तो दे सकता है कोई इंसान, पार्टनरशिप में नाम चलता है नहीं चलता है? उसने कहा मेरा नेम यूज कर लेना आप, तो वो नॉमिनल कहलाता है। बट नाम भाई ऑफ कोर्स ही बात है, मेरे अगर पार्टनरशिप के साथ अमिताभ बच्चन जी का नाम जुड़ जाएगा, मेरे एकेडमी के साथ कोई एक बड़ी एकेडमी का नाम जुड़ जाएगा, तो भैया नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा वो। अच्छा और बताइए, क्या एक ऐसा पार्टनर होता है जिस जो हु इज ओनली शेयरिंग द प्रॉफिट ओनली, शेयरिंग द प्रॉफिट ओनली? माइनर। बिल्कुल हो सकता है, माइनर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, माइनर को सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करना है सेक्शन 30। अच्छा एक बात बताइए, सेक्शन 30 की जब हम बात कर रहे हैं, माइनर जो है वो विद द ऑल कंसेंट ऑफ द पार्टनर के साथ मिलकर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, माइनर को एज अ पार्टनर रखा जा सकता है। माइनर जो होगा सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, और इसको प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट होगा। लॉस के लिए तो लायबल नहीं है माइनर, लॉस के लिए तो लायबल होगा नहीं। अच्छा माइनर जो है जब मेजर होगा, ऑफ कोर्स ही बात है मेजर तो होगा कभी ना कभी होगे, 18 साल के बाद जब ये मेजर होता है तो इसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो ये पार्टनर रहे या ना रहे, या तो ये पार्टनरशिप को हाँ कहेगा या ना कहेगा। अगर ये पार्टनरशिप को हाँ कहता है, अगर ये पार्टनरशिप में पार्टनर बना रहता है, तो क्या इसको नोटिस देने की जरूरत है या नहीं है? देखो जब ये 18 साल का हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ही बात है इसको कितने महीने के अंदर नोटिस देना पड़ेगा कि ये पार्टनर बनना चाहता है नहीं बनना चाहता? 6 मंथ। विद इन 6 मंथ ही हैज टू गिव अ नोटिस वेदर ही वांट टू बी अ पार्टनर और नॉट। अगर इसने नोटिस नहीं दिया तो अगर बाय डिफॉल्ट ये पार्टनर बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट पार्टनर बन जाएगा। नोटिस नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट बन गया। नोटिस कहता है कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। ये पार्टनर जब हमने बनाया था तो ये माइनर था, माइनर था तो ये 10 साल का था जब इसे पार्टनर बनाया था। 8 साल लगे इसको मेजर होने में, तो 8 साल के दौरान जो जो लाइबिलिटीज थी, जो जो लाइबिलिटीज थी, क्या वो लाइबिलिटीज इसके मेजर होने के बाद ये पे करेगा या नहीं पे करेगा? जो डेट्स थे, जो कर्जे थे, वो सारे पे करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल पे करेगा। यस लिख लेना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जा रहा पीछे का काम, रेट्रोस्पेक्टिव। सेक्शन 30 खत्म भी हो जाएगा भी एंड टू एंड, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। जिस दिन से आपने कहा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं माइनर था, मैं मेजर हो गया, मैं अब भी पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहूंगा, तो आपके जो भी पिछले जो भी लॉसेस वॉसेस रहे होंगे 8 साल के दौरान, मैंने एग्जाम्पल लिखा कभी पेपर में 8 साल ही लिख दो, तो 8 साल में जब मैं 10 साल का मैं पार्टनर बना था, माइनर था, तो मेरे 8 साल के बीच में जो भी लायबिलिटीज डेट्स ऑफ द फर्म रहे होंगे तो वो मेरे से पहले लिए जाएंगे, तो मेरे को अगली बार जो प्रॉफिट मिलेगा कट के मिलेगा, ठीक है, डिडक्शन के बाद मिलेगा, भैया तुम्हारी ये लायबिलिटी थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द लॉजिक? Now he is a major, तो उसके पास ऑप्शन है either to opt out of the partnership or to become a partner. अगर वो पार्टनर बन रहा है तो he has to take his the responsibilities as well. एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म ने तुम्हें 8 साल से झेला ना, तुम्हें प्रॉफिट दिया ना, तो भैया लॉस भी चुकाओ जो हमें नुकसान हुआ था, ये लॉजिक है, ठीक है यामिनी? ठीक है सर। ये है मेन लॉजिक भाई, तुमने हमने भी तो तुम्हें झेला था, इतने टाइम से 8 साल से झेलते आ रहे थे, तो जो हमारे कुछ लॉसेस होंगे, कुछ डेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी, पे करो, पार्टनर बनो, ठीक है। बट इसके पास फ्री है, कोई दबाव नहीं है, ये मना भी कर सकता, भैया मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, मना कर दे। बट अगर आप बनना चाहते हैं तो कोई जो लायबिलिटीज डेट्स ड्यूज होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा उसमें कुछ है भी नहीं सेक्शन 30 में।
इससे ज्यादा कुछ नहीं, यहीं पे खत्म हो जाता है बस। तो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट लोग हो सकते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए पार्टनर बने। ऐसा भी हो सकता है भैया मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, नॉट टू शेयर द लॉस, नॉट टू शेयर। ऐसा भी पार्टनर होता था जो कहता भैया मैं शेयर नहीं करूंगा, लॉस शेयर नहीं करूंगा, प्रॉफिट ही लूंगा। सिक्स्थ और कैसा पार्टनर हो सकता है? अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला हमने, जो फाइनेंस देता है, अभी इस पे आएंगे ठीक है यामिनी। क्रेडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर तो नहीं होगा लेकिन एक फाइनेंशियल को पार्टनर पैसा देता है। चलो बात करेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये तो। एक पार्टनर होता है सब पार्टनर। सब पार्टनर क्या होता है, सुना है कभी सब पार्टनर? भाई ये क्या नाम है, एक पार्टनर हो गया, दो पार्टनर हो गए, तीन पार्टनर हो गए, ठीक है तीन लोग पार्टनर थे। ये बेचारे एक साहब का इनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोरोना हो गया, बीमार पड़ गए, तो एक काम नहीं कर पा रहे। इन्होंने क्या करा, अपने नीचे एक पार्टनर और रख लिया कि भैया मेरे भी यहाँ पे ये काम करेगा, मेरे भी यहाँ पे अब ये काम करेगा, तो ये सब पार्टनर हो। बट इसके जितने भी राइट है ना, ये डायरेक्ट इनसे कुछ चीजें नहीं पूछ सकता, ये अपनी बात इसको एड्रेस करेगा फिर ये पूछेंगे इनसे। इसका रोल बहुत वीक रोल होता है इसका, बट हाँ ये बेचारा काम नहीं कर पा रहा है इसलिए इन्हें इसको रखा है। बट व्हाटएवर द क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है ना पार्टनर जो होते हैं एक पूरे फर्म के अकाउंट्स वगैरह, इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं, ये थोड़ा वीक पार्टनर रह जाता है सब पार्टनर। इसको जो भी कुछ करवाना होगा वो पहले अपने मेन पार्टनर को बोलेगा, तब मेन पार्टनर इनको बताएगा, देन ओनली कैन डू सब पार्टनर, ठीक है। तो ये पार्टनर के हमने बातें पढ़ ली, कितने टाइप के पार्टनर्स होंगे, ओके। हमने थोड़ा सा डिसीजन के बारे में भी पढ़ लिया कि पार्टनरशिप का डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से भी होते हैं, छोटे मोटे मामले जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, ठीक है। छोटे मोटे मामले सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, बट एक बड़े मामले, मेजर मामले, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया माइनर को पार्टनर रखना है नहीं रखना है, बिजनेस को ही चेंज करना है, बिजनेस को चेंज करना है तो कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी या यूनानिमस? स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा किसी को निकालना है बाहर, एक्सपेल करना है? स्पेशल। स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन है कि पार्टनरशिप में दो ही मेजोरिटी है, या तो सिंपल मेजोरिटी या यूनानिमस, बताइए। अगर किसी को एक्सपेल करना है तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? देखो एक्सपेल किया जा सकता है, पार्टनरशिप में से किसी को निकाला जा सकता है, yes, sir. बिल्कुल निकाला जा सकता है, प्रोविजन तो दे ही रखा है, दे रखा है तो निकाला भी जा सकता है। अगर वो फर्म के लिए कुछ नुकसान वाली चीजें करता है तो बिल्कुल निकाला जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जब एक्सपेल करते हैं ना तो यूनानिमस तो हो ही नहीं सकता, जो निकलने वाला आदमी वो अपने लिए वोट डालेगा क्या, तो उसमें चलती है मेजोरिटी, उसमें चलती है मेजोरिटी, यूनानिमस नहीं हो सकता। दस लोग हैं, क्या दस लोग में से एक को निकालना है तो नो की ही तो सहमति आएगी, दस के तो नहीं आएगी, एक मत तो हो ही नहीं सकता, तो उसमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, मेजोरिटी चाहिए होगी सर। एग्जैक्टली हो, पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, अभी हमने सेक्शन फोर की तो ऑलमोस्ट बात कर ही ली है, सेक्शन फाइव भी आपको आइडिया लग गया होगा। सेक्शन फाइव समझ में आ गया, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। मैं आपके साथ बेरेट शेयर कर लेता हूं, मैं आपको क्विकली पार्टनरशिप पैक को धीरे धीरे जल्दी से समझाता हूं। देखो इसका यही आपको स्क्रीन विजिबल है, yes, sir. अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ पार्टनरशिप का, हमारी तब मेरी तरफ से आज मैंने प्रिलिमरी चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म, प्रिलिमरी खत्म, चैप्टर नंबर टू हम करेंगे डिटेल में। अभी मैंने लेकिन आपको इतनी बात तो बताई दी है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म नेम क्या होता है, पार्टनरशिप बताइए, पार्टनर भी देख लेंगे, फर्म भी देख लेंगे, फर्म नेम भी देख लेंगे।
पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, स्टेटस से नहीं आती पार्टनरशिप। आपने जन्म लिया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनर बन गए हैं। आप तो बाय बर्थ है, मतलब पैदा होना ही है आपको। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे पार्टनरशिप में तो हमने लिखा 2 से 50 होंगे मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कितने मेंबर होंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो चला रहे हैं लोग, उसमें कितने पार्टनर्स होंगे मैक्सिमम? तो नहीं होते हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। तो देयर इज नो लिमिट, जो बच्चा होता जाएगा बाय बर्थ वो मेंबर भी बनता चला जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो देयर इज नो लिमिट। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6, इसमें रियल इंटेंशन की बात की है। रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज हमें देखना पड़ेगा, उनके बीच में क्या इंटेंशन थी फॉर द कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप बनाने के लिए, क्या उनका पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। जो सैलरी वाला पॉइंट था हमने इसी में डिस्कस किया था सेक्शन 6 में। इसकी जो 4 ABC करके जो डी पॉइंट, 4 पॉइंट्स है इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको ऐसे दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो है ना 4 पॉइंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन MCQ बनता ही बनता है। अच्छा, एक इंसान सिर्फ अपनी गुडविल देता है, वो पास्ट में था कोई मेंबर, पहले पार्टनर था, जा रहा है और कह रहा है मैं चलो गुडविल दूंगा, क्या वो पार्टनर होगा? नो, वो पार्टनर नहीं होगा। ठीक है, उसको पैसा मिल रहा है गुडविल का सिर्फ, ठीक है, गुडविल बेची है उसने अपने, वो पार्टनर नहीं है भाई। बिजनेस तो करे ना, नाम ही तो दे रहा है वो, तो इस ही विल नॉट बी ए पार्टनर। देखो विडो और चाइल्ड की बात मैं बता चुका हूं, मर चुके पार्टनर की विडो और चाइल्ड वो पार्टनर नहीं होंगे जिनको एन्यूटी मिल रही है। पायर सर्वेंट और एजेंट, सर्वेंट और एजेंट, एजेंसी अप्लाई होती है, सर्वेंट मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होता है, जो रेमुनरेशन पा रहे हैं मेहनताना या नौ सैलरी ले रहे हैं। बायर लेंडर, अभी जैसे आपने कहा, अभी यामिनी ने कहा था सर फाइनेंसर भी पार्टनर होगा। लेंडर कौन होता है? जो पैसा देता है। बायर लेंडर ऑफ द मनी टू पर्सन एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, मैं कह रहा हूं भाई मैं पैसा लगाऊंगा आप काम कीजिए, मैं पैसे लगाऊंगा आप काम कीजिए, प्रॉफिट होगा तो हम इक्वली शेयर कर लेंगे, इज नॉट अ पार्टनर। क्रेडिटर फाइनेंसर पार्टनर नहीं होते, सिर्फ जो पैसा लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो इंसान पैसा लगा रहा है, काम भी कर रहा है, सुपरविजन भी रखता है, पार्टिसिपेट भी करता है चीजों में, ही कैन बी अ पार्टनर, ही वुड बी कंसिडर एज अ पार्टनर। कई बार होता क्या है, हम दो लोगों ने ये कर ली बात कि भैया देखो सारा कंस्ट्रक्शन का काम मैं देख लूंगा, आपसे पैसे लगाएंगे। जब कोर्ट में जब बातें पहुंचती है ना, डिस्प्यूट अराइज होता है कि हम पार्टनर है, कोर्ट मना कर देती है, यू आर ओनली अ फाइनेंसर, आप तो सिर्फ पैसा ही लगा रहे थे, तो पैसा लगाना पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप मीन्स देयर मस्ट बी सम बिजनेस जिसमें आपका एंगेजमेंट भी हो, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी हो। तो सिर्फ जो साहूकार जो पैसा लगाता है, पैसा लगाने के बाद सिर्फ वो प्रॉफिट ले लेता है, ही इज नॉट अ पार्टनर, यही सेक्शन 6 कहता है। और इसकी दोनों एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे जब हम इसको सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4 ऑनवर्ड। अभी 4 सेक्शन जो हमने पढ़ा, सेक्शन नंबर 4 वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 क्या कहता है, पार्टनरशिप द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रट्टा मार लेना और वैसे तो कॉन्सेप्ट बेसिस समझ भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें माइंड में छपनी भी चाहिए। नाउ पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर कॉल्ड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को, हर एक आदमी को पार्टनर कहा गया है, इंडिविजुअल को पार्टनर कहा गया है, और कलेक्टिवली जब मिल जाते हैं तो फर्म बन जाती है। और जिस नाम में वो बिजनेस चला रहे हैं उसको फर्म नेम बोलते हैं, जिस नाम में वो बिजनेस चला रहे हैं वो फर्म नेम बोलते हैं। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, स्टेटस से नहीं आती, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। सेक्शन 6 था मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप है या नहीं है। देयर मस्ट बी रियल इंटेंशन, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, उनके बीच में क्या संबंध है, इसको देखना पड़ेगा।
शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ही सिर्फ अपने आप में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट और ये ग्रॉस रिटर्न शेयर कर लेना पार्टनर नहीं कहलाता है, ठीक है। कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, हम बिजनेस करेंगे फायदा होगा तो हम शेयर पार्ट लेंगे, ये कोई बिजनेस दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अब हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे क्योंकि ये अच्छे पॉइंट्स हैं। सेक्शन 6 इज वेरी सिंपल, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप दो तरीके की हो सकती है, पार्टनरशिप एट विल, जब आओ जब आप मन करे आए, जब आपका मन करे चले गए। पार्टनरशिप एट विल नहीं कर रहा मन का कंटिन्यू करने का पार्टनरशिप, नोटिस दीजिए आप जाइए, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनरशिप फॉर द ड्यूरेशन, नहीं पता कि कितने टाइम के लिए होगी पार्टनरशिप, जब मर्जी इसको डिटरमाइन खारिज खत्म किया जा सकता है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसे हो सकती है, द पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर, कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर टास्क करना है, अंडरटेकिंग करनी, ठीक है। पीरियड उसका टाइम पीरियड हो सकता है, इतने टाइम के लिए हम पार्टनर्स रहेंगे, या हम इस एडवेंचर को अचीव करने के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, इट कैन बी। तो पर्टिकुलर पार्टनर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू से बेस है, बहुत सिंपल से ही है। अब चैप्टर नंबर 3 जो डील करता है, जिसमें बात किया थी रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, सबसे पहले हम एक दूसरे के पार्टनर के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, कैसे रिलेशन होने चाहिए, बिल्कुल एमिकेबली चीजें होनी चाहिए। तो यानी जनरल ड्यूटीज क्या है, आपकी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या ड्यूटी है, आपकी मेरे लिए क्या ड्यूटी है, मेरी आपके लिए क्या ड्यूटी है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए हम फेथफुल होंगे ना, सबसे पहले तो सारे अकाउंट्स हम एक दूसरे को दिखाएंगे, फुल इंफॉर्मेशन बताएंगे, ऐसा तो है नहीं कि घोटाला कर लेंगे, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ आपको बता कुछ और रहा हूँ, धोखा नहीं होता। पार्टनरशिप इज डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट एज वेल, ठीक है। कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे, फर्म के फायदे के लिए काम करेंगे एक दूसरे, ठीक है। एडवांटेज जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस, अगर हमने एक पार्टनर ने फ्रॉड करा है तो वो जितना भी नुकसान होगा उसको इंडेमनीफाई करेगा अगर फ्रॉड करता है तो। डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, एक दूसरे के जो राइट्स और ड्यूटीज होगी वो निर्धारित की जाएगी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टनरशिप डीड बनेगी उसके आधार पर हम निर्धारित कर लेंगे एक दूसरे के राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें ये भी एग्रीमेंट हो सकता है, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट और रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, हम ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं अगर हम जब पार्टनरशिप में आएंगे तो आप सेम टाइम का बिजनेस सेम टाइप का बिजनेस नहीं करेंगे विद इन द पर्टिकुलर टेरिटरी। तो ये जो पर्टिकुलर क्लॉजेज हो सकते हैं जो हमने सेशन 27 में भी पढ़े थे वो रीजनेबल होंगे, इट इज नॉट इन द वॉइड, ये इसको वॉइड नहीं माना जाएगा इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो, ठीक है। कॉम्पेटिंग बिजनेस नहीं कर सकते आप, सेम टाइम का बिजनेस नहीं करेंगे, सॉलिसिटाइज नहीं करेंगे आप, हमारे का ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मेरे फर्म के नाम पे कस्टमर आ रहा, आप उसको फर्म चुपके से बोल रहे हैं कस्टमर को कि काम करना यहाँ पे तो 40 रुपए किलो चीनी मिलती है, आप मेरे पास आ जाना मैं 20 रुपए दे दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो फेथफुल रहेंगे। अभी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 55 तक तो हम पूरा बैरेट हो एक एक चीज समझ लेंगे। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर एक पार्टनर का अधिकार होगा बिजनेस में कंडक्ट मतलब अपना पार्टिसिपेशन करे, ड्यू डेलिजेंस रहे, ईमानदारी से काम करे, ठीक है। इसमें यह भी लिखा है कि जो भी मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा वट एवर द डिसीजन होगा, ओपिनियन सबकी रखी जाएगी, दैट इज द बेसिक थिंग्स, बिल्कुल बेसिक चीज है। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी, पहला ही लिखा है पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी तरीके की सैलरी नहीं मिलेगी पार्टनर को, सैलरी नहीं मिलेगी, रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। बट क्या ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है इससे ऊपर बताइए मुझे, पढ़ के आप बताइए, आप पढ़िए जरा क्या लिखा है इससे ऊपर लाइन 13 सेक्शन में, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा अगर आपने लिखा है भाई हाँ सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, समझ में आ गया या आपका डाउट। यस सर,
ऐसा हो सकता है भाई हम सैलरी देने के लिए रेडी है एक पार्टनर को, वो मांग रहा है तो सैलरी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, काम तो चल रहा है ना, बिजनेस है, हम प्रॉफिट ले लेंगे। इक्वल प्रॉफिट इक्वल लॉस, इंटरेस्ट जो कैपिटल लगाएगा उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। भाई शुरू में एक तो कैपिटल लेके आते हैं भाई हम बिजनेस स्टार्ट करें, एक कई बार बाद में भी जरूरत पड़ती है, तो जो बाद में लाएगा उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, जो भी पेमेंट एक्स्ट्रा देता है वो, ये सारी बेसिक चीजें हैं। इंडेमनीफाई होगा, कोई लॉस अगर होता है तो दैट हैज टू बी इंडेमनीफाइड। इमरजेंसी में क्या इंसान क्या कर सकता था वो भी हमारी ड्यूटीज होंगी, किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें। 14 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होती क्या है। एक तो फर्म ने हम जो सब कैपिटल लेके आए वो हमारी एसेट है, फिर प्रॉपर्टी वो होगी जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट से जो हमने पैसा अर्न करके कुछ और चीजें खरीदी वो प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होगी। फर्म के नाम पे जो चीजें खरीद आती हैं फर्म की गुडविल भी प्रॉपर्टी कहलाती है। सेक्शन 14 इज इम्पोर्टेंट, स्टॉक प्रॉपर्टी होगी, गुडविल भी प्रॉपर्टी होगी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म किस तरीके से यूज होगी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ऑफकोर्स ये बात है इस तरीके से हो कि नुकसान ना हो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर, मैंने आपको बताया कोई इंसान चुपके से कहता है कि भैया यहाँ तो हमारी फर्म में मिल रही 40 रुपए चीनी, आप एक काम करना मेरे पास आ जाना, मैं साइड में काम भी करता हूँ, 20 रुपए मिलेगी। पर्सनल प्रॉफिट नहीं कर सकते आप, अगर करेंगे तो यू हैव टू पे प्रॉफिट जो भी आपको हुआ होगा, पर्सनल प्रॉफिट जो आपने कर लिया होगा फर्म के नाम पे, यू हैव टू पे बैक टू द फर्म। 17 राइट एंड ड्यूटीज पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द नेम, जैसे अगर नाम बदलाव होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म फर्म, जो भी उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यू रहेंगी सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, लेकिन ठीक है ये डिटेल में हम पढ़ लेंगे ना। इसके बाद आता है, ये तो हमने बात कर लिया आपस में पार्टनर की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, अब पार्टनर्स की ड्यूटी टुवर्ड थर्ड पर्सन क्या होती है, टुवर्ड द थर्ड पर्सन यानी जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से डील कर रहा होगा इंसान उसकी क्या होगी। तो सबसे पहले पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। Implied authority of the partner as an agent, बहुत important section है ये, section 19. Partner हर चीज वो काम करेगा जो partnership के लिए फायदे की होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो partner नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई, partnership ने जो business किया उसमें clause भी लिखा था कि arbitration के पास matter जाएगा या नहीं जाएगा, जहां नहीं जाएगा वहां लेके चला गया। Implied authority ऐसी चीजें ना करे, कुछ चीजें इम्प्लाइड होती है लेकिन कुछ एक्सप्रेस होती है वो चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकता, अपने नाम पर सारा फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। और ऐसा नहीं कर सकता कि भाई कोई मामला है, कोई सूट है, कोई दावा डाला उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया या विड्रॉ कर लिया या सेटलमेंट कर लिया, इमोवेबल प्रॉपर्टी ले ली अपने नाम पर, तो दीज आर द थिंग्स शी कैन नॉट डू दैट। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनरशिप अप्लाइड, ये एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखनी पड़ती है कि पार्टनर क्या कर सकता है, पार्टनरशिप क्या नहीं, पार्टनर क्या नहीं कर पाएगा, क्या उसकी रेस्ट्रिक्शंस होंगी, इमरजेंसी में क्या करेगा एक ऑर्डिनरी मैन या प्रूडेंट मैन जो करता है बीइंग अ पार्टनर, वो चीजें वो करेगा। मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म, जो चीज वो करेगा फर्म उसके लिए बाइंड होगी। इफेक्ट ऑफ द एडमिशन बाय द पार्टनर, An admission or represent made by the partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm. जो चीज भी वो करेगा, कई बार क्या होता है मैं being a partner, मैं किसी third person से कहता हूँ कि हाँ I will pay, कि हाँ ठीक है मैं आपका पैसा pay कर दूंगा, तो मेरे इस बात से कहने से firm भी bound हो जाती है। That means rule of estoppel apply हो जाएगा। अगर एक partner भी कुछ firm के नाम पे चीज करता है, admission कर रहा है, तो कहीं ना कहीं firm is liable for that. ठीक है, थर्ड इंसान को कुछ प्रॉमिस कर आया तो फर्म को फुलफिल करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ द नोटिस टू एक्टिंग पार्टी, तो नोटिस देना पड़ता है, एक्टिव पार्टनर है तो नोटिस देगा ही, ऑफकोर्स ही बात है। क्या एक्टिंग पार्टनर का नोटिस देना जरूरी है नहीं जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, अगर वो जाता है तो भी जरूरी है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग पार्टनर से डील करते हैं, डोरमेंट पार्टनर को जरूरत नहीं होता। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, liability of the partner for the act of the firm jointly or severally,
लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, जॉइंट और सेवरली मैं बता ही चुका हूँ, जॉइंट एंड सेवरली होती है तो कोई भी थर्ड पर्सन है सू कर सकता है, या तो एक ही पार्टनर को कर दे, सबको कर दे, या पूरी फर्म को कर दे, इट्स ऑल अप टू हिम। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, अगर कोई भी गलत काम पार्टनर करता है तो फर्म बिल्कुल लायबल ही होगी। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, अगर किसी का पैसा जो आया है पार्टनर ने अपने ही लगा अपने हिसाब से लगा लिया है, अपने बिजनेस में लगा लिया है, तो फर्म की लायबिलिटी बन जाती है जो भी नुकसान थर्ड पार्टी को हुआ होगा। होल्डिंग आउट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मीन्स का क्वेश्चन बनता है होल्डिंग आउट। कई बार हम अपने कंडक्ट से या लिख कर रिप्रेजेंट कराते हैं सामने वाले को, और सामने वाला इस इंप्रेशन में है कि ये भी पार्टनर होगा जबकि मैं पार्टनर नहीं, और उधार दे देता है फर्म को, तो कहीं ना कहीं मैं लायबल होऊंगा, फिर मैं भी लायबल होऊंगा। ठीक है, होल्डिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये तो बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट, जिसको राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप, मैं अपनी पार्टनरशिप या किसी और को दे सकता हूँ क्या? मैं अगर जिसमें पार्टनर हो, क्या मैं अपना इंटरेस्ट किसी और को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, कंसेंट चाहिए होगी। कंसेंट कैसे चाहिए होगी? और मेरी जो लायबिलिटीज है उसके पास चले जाएंगे, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। 30 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है माइनर का, माइनर से संबंधित। वैसे तो जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि माइनर क्या पार्टनर हो सकता है, प्रॉफिट के लिए होगा, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस होगा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट करेगा, उसके लिमिटेड लायबिलिटीज हैं। वैसे अगर हम बात करें पार्टनरशिप में लायबिलिटीज कैसी होती है, पार्टनरशिप में लायबिलिटीज कैसी होती है, लिमिटेड है अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। लेकिन बाद में एक कॉन्सेप्ट आया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यस सर, 2008 एक्ट। क्या है वो सर? उसमें वो बेसिकली इट इज अ हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, क्योंकि कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ जी, तो ऐसी भी पार्टनरशिप हो सकती है जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी हो, वो हमारे कोर्स में नहीं है, जुडिशरी में नहीं आता, जब आएगा तो देखेंगे। ठीक है, तो माइनर्स जो है एडमिट किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, बट कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज सेक्शन 30 में है। नोटिस देगा मेजोरिटी पे, वो चाहे तो पार्टनर रह सकता है, चाहे तो ना रहेगा, रहेगा तो क्या लायबिलिटीज होंगी, नहीं रहेगा तो क्या नोटिस देना जरूरी होगा या नहीं होगा, ये सारों चीजों के सवाल के आंसर हमारे सेक्शन 30 में है। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज डीलिंग विद द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। पार्टनर को एंट्री कराया जा सकता है, कोई इंट्रोड्यूस नया पार्टनर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बट ये भी सब्जेक्ट टू पार्टनर है, सॉरी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। वैसे जनरल रूल क्या कहता है, सारे पार्टनर कंसेंट देंगे तभी हम पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब सपोज करो भाई एक फैमिली है, से फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन साहब की फैमिली है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, अभिषेक जी हैं, ऐश्वर्या जी और जया बच्चन, ये चारों लोग हैं। अब ऑफकोर्स ये बात है, अमिताभ बच्चन की बात कोई काटेगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर अमिताभ बच्चन जी जो चाहेंगे, वो चाहे तो जिस मर्जी को पार्टनर बना दे, एंटर करेगा तो अमिताभ बच्चन जी की सिर्फ कंसेंट पे वो पार्टनर बन जाएगा। तो दैट कैन बी पॉसिबल, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दीजिए ऐसी बात, अगर ऐसी बात लिखी है तो मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्टनर। अदरवाइज जनरल रूल ये कहता है भाई सबकी कंसेंट चाहिए होगी। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अब पार्टनर ऐसा तो है नहीं, आए हैं तो जाएंगे भी, कई बार एट विल पे जाते हैं, जैसे हमने सेक्शन 7 की बात करी पार्टनरशिप एट विल, जब मन करे तब चले जाओ, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है अगर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो भैया पहले सबकी कंसेंट लो तब जाओ। ठीक है, ये सारे प्रोविजन हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के डिटेल में पढ़ेंगे। इनको जाओगे तो नोटिस देना जरूरी है नहीं जरूरी है, जाओगे तो आपकी लायबिलिटी क्या है, जा रहे हो तो थर्ड पर्सन के पास जो आपकी लायबिलिटी है उसका क्या होगा। ठीक है, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब निष्कासित या फिर बाहर किया जा सकता है पार्टनर को, पार्टनर को निष्कासित नहीं किया जा सकता, एक्सपेल नहीं किया जा सकता, बट ऑफकोर्स ही बात है किया भी जा सकता है, लेकिन वो पार्टनरशिप हम के गुड फेथ में किया हुआ एक्शन होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, बिल्कुल किया जाएगा।
ऐसे काम कर रहा है पार्टनर जो बिल्कुल घटिया काम कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गया, तो बाहर निकालो ऐसे पार्टनर को। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो पार्टनर ही नहीं रहता है। इंसॉल्वेंट पार्टनर को नोटिस देने की जरूरत है क्या? नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे चलिए, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर, उसका क्या होगा जो इंसान मर चुका और वो पार्टनर था? क्या डेथ से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है? Yes. बिल्कुल हो जाए। अच्छा, दो पार्टनर है तो वो तो वैसे भी डिसॉल्व हो जाएगा, और तीन पार्टनर है एक मर जाए तो? सर फिर वो पार्टनर मतलब नॉन पार्टनर हो जाएगा। तो दो लोग जो है, तीन पार्टनर थे, एक मर गया, दो बचे, तो उन दोनों के पार्टनरशिप चलेगी या डिसॉल्व हो जाती है वो भी? सर इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, वैसे जनरली पार्टनरशिप बिटवीन द रेस्ट टू पार्टनर्स है उनमें चलेगी। देखो दो पार्टनर तो खत्म ही हो जाएगी, अकेला इंसान पार्टनर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन तीन है तो एक अगर एक डिजीज्ड हो गया तो बिटवीन द रेस्ट पार्टनरशिप हो सकती है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है, कि अगर एक की डेथ भी हो जाएगी तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। इफ इट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस अ पार्टनरशिप, देन इट कैन बी पॉसिबल। नाउ राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरिंग ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस, जब कोई इंसान जा रहा है, जब कोई इंसान जा रहा है तो भैया उनसे हम कुछ चीजें भी तो कहेंगे कि भैया तू जा तो रहा है लेकिन ऐसे काम मत करियो जो हमारे अगेंस्ट हो, हमारे फर्म का नाम यूज मत करियो, हमारे फर्म का जो हम बिजनेस करते थे वैसा यूज मत करियो, वो चीज नहीं करेगा। तो हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन जो होगी वो रीजनेबल होगी, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ वॉइड। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वो वॉइड नहीं मानी जाएंगी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ जो काम आप हमारे साथ करते थे वो आप पूरी जिंदगी भर नहीं करेंगे? नो नो सर, इट इज अनरीजनेबल। यार उसका हम लिवलीहुड छीन रहे हैं, उसका लिवलीहुड भी तो अधिकार है, आर्टिकल 21 भी तो बैठा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एक ही काम आता वो भी आप छीन रहे हो, ऐसा हो सकता कोई एग्रीमेंट? नहीं हो सकता। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सबसिक्वेंट प्रॉफिट, अगर कोई इंसान जा रहा है फर्म का नाम यूज करता है या फर्म से जो प्रॉफिट उसको पहले हुआ था उसने बाद में भी लोगों को सॉलिसिटाइज कर प्रॉफिट कमा लिया है, तो भैया जितना तूने कमाया बाद में हमारा नाम यूज करके वापस दे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। नाउ दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अब आ गया टाइम के फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, जब फर्म फर्म ही ना रहे, सब पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप को खत्म करना ही डिसोल्यूशन कहलाता है। Dissolution of the partnership between all the partners, सारे partner के बीच में partnership को खत्म कर देना, is called dissolution of the firm. Dissolution agreement भी करके हो सकता है, भाई सब लोग agree हैं, ठीक है, हम partnership को खत्म करना चाहते हैं। एक होता है compulsory, दबाव है भाई करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? By adjudication of all the partner or all the partner insolvent हो जाए तो, ठीक है, by happening of any event which make it unlawful, बिजनेस जो है ऐसा हो गया वो अनलॉफुल चल ही नहीं पाएगा, कंपलसरी होना करना पड़ेगा ना उसको, फिर अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज तो नहीं चल सकती। मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, इलीगल के लिए काम के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। और जब हमने एडवेंचर था या किसी पर्टिकुलर एडवेंचर अंडरटेकिंग के लिए काम किया वो उसका खत्म होना तब भी डिसॉल्व हो जाती है। Now, dissolution and happening of certain contingency, कई बार कुछ आकस्मिक चीजें होती हैं जो हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी वो चीज होना। If constituted with a fixed term के लिए थी वो time term expire हो गया। If constituted carrying one or more adventure or undertaking by the completion adventure complete हो गया। इसमें दो main focus है, जैसे question आता है death of the parties, इंसान ही मर गया partner मर गया तो dissolve हो जाएगी, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीजें सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिख सकते हैं कि पार्टनर मर भी जाए तो भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट एटलीस्ट दो पार्टनर तो रहे ना, मरने के बाद भी दो पार्टनर तो रहने चाहिए तभी तो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी। इंसॉल्वेंट हो जाए, बट इंसॉल्वेंट होने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा हो कि भाई इंसॉल्वेंट हो जाए, तीसरा आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए, तीसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप चल सकती है। Now 43 dissolution by the notice of the partnership at will. Already मैं आपको बता चुका हूँ partnership will जब मन करे तब चले जाओ, notice दो जाइए dissolve हो जाएगी, दो लोग हैं तो dissolve भी हो जाएगी,
दो ही थे, एक चला गया तो डिसॉल्व ही होनी है वो, तो डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट, कई बार कोर्ट को दबाव डाल के मतलब कोर्ट के इंटरफेरेंस के जरिए सूट जब दावा डाला जाएगा पार्टनर के द्वारा तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है, कब, जब पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, पागल हो गया है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बाय द पागल है तो नेक्स्ट फ्रेंड सूट फाइल करेगा, परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, वो काम ही नहीं कर पा रहा है, भाई जो पार्टनर है वो ऐसे काम कर रहा है बिल्कुल नेग्लेक्ट है, काम नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज लाइकली टू अफेक्ट द बिजनेस, जिस, अब ऐसा है देखो, सपोज करो हमारा एक बिजनेस है, सपोज करो हमने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, ब्यूटी पार्लर में अफोर्ड सी बात है बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, लोग आते तो गलत बेंड ऑफ माइंड से भी आते हैं, या आप मसाज पार्लर खोल रखा है, अब मसाज पार्लर में एक जो मेरा पार्टनर है उस पर इस बात का इल्जाम लग चुका है कि लड़कियों को छेड़ता है, या इफ टीजिंग आ गया, तो कोई आएगा वहां पर काम करवाने, कोई नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोर्ट के पास जाके कहना पड़ेगा सर इसको वाइंड अप करवाइए, डिसॉल्व करवा दीजिए, ठीक है, पहले डिसॉल्व होगी फिर वाइंड अप होता है, जैसे आपने कंपनी पढ़ी होगी, कंपनी में पहले डिसॉल्व, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, क्या पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है क्या? हाँ जी, क्या पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि लिक्विडेटर बैठेगा, सारे जो डेट्स होंगे, कर्जे होंगे, पहले वो चुकाया जाएगा, तो पार्टनरशिप में जब डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप में भी ये कुछ चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो कुछ जो लाइबिलिटीज होंगी, जो डेट्स होंगे, जो कर्जे होंगे, वो सारे पे करने के बाद ही आपको जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा होगा, देन ओनली इट कैन बी डिवाइडेड अमंग यू, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से, ठीक है, अब लॉस में चल रही है, फर्म ही लॉस में चल रही है, डिसॉल्व करनी पड़ेगी, लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर डिसॉल्व के बाद क्या लायबिलिटीज रहती है, ऑफ कोर्स ही बात है डिसॉल्व हो जाएगी तो जो उनकी लायबिलिटीज बची होंगी उनको भी पूरा पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स के बाद, सपोज करो पार्टनर ने जो फर्म में पैसा लगाया था उसके लगाने के वाइंडिंग अप जब हुई उसके बाद भी कुछ अभी लाइबिलिटीज बची हैं तो पार्टनर को और पैसा मंगाया जा सकता है, नहीं मंगाया जा सकता, पार्टनर से और पैसा भी मंगाया जाएगा, बिकॉज पार्टनरशिप में पार्टनर के जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो उसका और भी पैसा मंगाया जाएगा फॉर द पेइंग द लायबिलिटीज आफ्टर द डिसॉल्यूशन, क्या क्या अधिकार होंगे डिसॉल्यूशन के बाद, वाइंडिंग अप करने के बाद, ऑफ कोर्स ये बात है जो अगर पैसा बचा है वो शेयर करेंगे, अगर अभी भी कुछ चीज ड्यू अमाउंट सब चीज को वाइंड अप करने के बाद, सबकी लायबिलिटीज पे करने में व्हाट एवर इज रिमेनिंग दैट हैज टू बी शेयर बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, ये सारे इससे संबंधित है, मोड्स पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स तो होंगे, पर्सनल प्रॉफिट अगर डिसॉल्यूशन के बाद के देन ऑफ कोर्स ही हैज टू पे टू द फर्म, गुडविल यूज करता है, कई बार वो जाते वक्त गुडविल भी खरीद सकता है इंसान, डिसॉल्यूशन जब हो रहा है तो कह सकता है कि ठीक है गुडविल मैं लिख लूंगा, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं, ये हम सारे पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, राइट, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड, विल डू इट इन थॉरली। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 59, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वेयर द रजिस्ट्रर सेटिस्फाइड द प्रोविजन ऑफ 58, अगर रजिस्ट, ऑफ कोर्स ही बात है इट इज ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है पार्टनरशिप का, बट मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन कराने से बहुत फायदे ज्यादा होते हैं, जो फायदे होंगे वो सेक्शन 69 में आपको नजर आएंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव और परिणाम निकलता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, आप कुछ नाम यूज नहीं कर सकते पार्टनरशिप फॉर्म बनाते वक्त, जैसे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, ये सारे जो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं यू कैन नॉट यूज, किंग, क्वीन, गवर्नमेंट, इस तरीके के नाम यूज नहीं कर सकते जब रजिस्टर कराएंगे, तो फर्म का नाम क्या है, कौन सी जगह पर है, 58 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक, फॉर द नॉलेज पर्पस, कितना टाइम है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो पार्टनर्स हैं उनके
नाम क्या क्या है, उनका पूरा परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारे डिटेल जरूरत पड़ेंगे। देन इसके बाद ये सारे आप एक बार हम पेरियूज कर लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, बहुत इजी इजी से हैं, कुछ है नहीं। देन 69 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, इसका क्रक्स मैं आपको बताता हूँ। देखो बेसिकली आप फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर एक दूसरे को सूट फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप डिसॉल्व के केस में तब भी कर पाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं है डिसॉल्यूशन के केस में फिर भी कर पाएंगे। लेकिन पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनर्स अगर चाहे तो थर्ड इंसान को, कस्टमर को सू करना चाहे वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थर्ड इंसान डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसका हर जाना थर्ड पार्टी यानी कस्टमर क्यों भुगते। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन से बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे लोग कराते बहुत कम है लेकिन करानी ही चाहिए। जब भी फर्म आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। इससे संबंधित हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वहां पे भी वो ऑप्शनल है, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराना इट्स ऑप्शनल। 69 उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ लास्ट सेक्शन बचता है 72। 72 है कि पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाएगा। पब्लिक नोटिस कम से कम ऑफ जैसे हम अक्सर या तो उसको न्यूज़पेपर में निकलवा दीजिए जो वहां पर पब्लिश हो, एटलीस्ट एक ऐसा न्यूज़पेपर हो जो उस पर्टिकुलर एरिया में इन द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फर्म टू विच इज रिलेट इज प्लेस, जहाँ पर बिजनेस का यानी पार्टनरशिप का प्लेस है, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, वहां पर कम से कम एक बार नोटिस आपको करवाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा कोई भी अगर पब्लिक नोटिस देते हैं तो। पब्लिक नोटिस इन रिगार्ड्स विद द एक्टिव पार्टनर जब जाता है तो नोटिस देता है, तो ये सेक्शन 72 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने सिर्फ एक ग्लिम्स ले लिया है इसका, पार्टनरशिप एक्ट का, बट इसमें कई सारे सेक्शंस विद केस लॉज हमने पढ़ने हैं। सो विल स्टार्ट विद टुमारो, डिटेल में हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4 से। आई होप एक ब्रीफ आइडिया इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, बट विल डू इट टुमारो इन डिटेल विद द केस लॉज।